बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और आज हम इसको उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे हम एएसएफ एक्ट 1975। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सेक्शन 8 है इनडेमनिटी। इनडेमनिटी का मतलब ये होता है कि फर्ज किया मैंने आप एक गाड़ी वाले को लिया, उसको मैंने कहा कि जी ये कुछ चीज़ें हैं हमने फां जगह पे डिलीवर करनी है। वो कहता है जी ठीक है मैं डिलीवर कर देता हूँ, और उसको बाकायदा बताया जाता है कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं और आप इनको प्रॉपर सेफली आपने डिलीवर करना है। तो लेट्स सपोज वो बंदा लेके जाता है और दरमियान में एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ, सॉरी, कुछ चीज़ें उसमें गिर जाती हैं या टूट जाती हैं उसकी नेगलिजेंस की वजह से, तो वो जो उसने नुकसान किया उसकी तलाफ़ी के लिए वो जो पे करेगा उसका मतलब होता है इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी क्या कहती है, नो सू प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी थिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन। कि अगर ASF के ज़रिए जो उनके ऑफिसर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई काम किया और इसके बावजूद कुछ नुकसान हो गया, तो वो उसके उनको जवाब तलब नहीं है या उनको इस पे कोई पनिशमेंट नहीं होगी या वो इस नुकसान की तलाफ़ी नहीं करेंगे। और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स रेगुलेशन, या रूल्स एंड रेगुलेशन में एक गुड फेथ में उन्होंने कोई काम किया और वो काम उल्टा कोई नुकसान हो गया तो वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 है डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज अंडर सेक्शन 11 टू द फोर्स कमांडर और सच ऑफिसर एज इट मे डीम फिट। कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस एक्ट के ज़रिए जितनी पावर्स हैं वो किसी को डेलीगेट की जा सकती हैं सिवाय फोर्स कमांडर की पावर्स को। सेक्शन नंबर 10 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फोर्स कमांडर। सेक्शन 10 क्या कहता है, द फोर्स कमांडर बाय मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर द रूल्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम। कि जो फोर्स कमांडर है वो एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जो भी उसके पास पावर्स हैं वो अपने किसी कोऑर्डिनेट अफसर को डेलीगेट कर सकता है ताकि अच्छी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 है पावर्स टू मेक रूल्स। द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स। जो फेडरल गवर्नमेंट है वही रूल्स बना सकती है। और इसके फर्दर सेक्शन ए है रेगुलेटिंग द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स। कि रेगुलेशन फंक्शनिंग के लिहाज से और जो अफसर्स की पावर्स हैं उनके मुताबिक भी फेडरल गवर्नमेंट पावर बनाए रूल्स बनाएगी। इसके अलावा रेगुलेटिंग द क्लासेस एंड ग्रेड्स ऑफ एंड रिमनरेशन एंड अवार्ड्स टू बी पेड द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। तो ये जितनी रेगुलेटिंग द क्लास एंड ग्रेड कि कौन कौन सा ग्रेड इनका, और इसके अलावा रिमनरेशन उनको कितनी तनख्वाह और उनके अलाउंसेस, और इसके अलावा कोई अवार्ड वगैरह, ये सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट डिज़ाइन करेगी। सी और डी ओमिटेड हैं। नेक्स्ट ई आता है जनरली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। के जनरली जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी प्रोविजन बनानी पड़ती है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। इसके अलावा सब सेक्शन नंबर 12 है पावर टू मेक रेगुलेशन। तो जो रेगुलेशन हैं वो कौन बनाएगा, द फोर्स कमांडर मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा, जो एक्ट का है, एक्ट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट का जो एक्ट, पार्लियामेंट किसी कानून को मंजूर कर दिए तो वो एक्ट होता है। अगर कोई सदर बगैर पार्लियामेंट के सामने पेश किए कोई बिल पास करता है तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो इसमें ये सारा कहा गया कि जो रूल बनेंगे वो एक्ट के ज़रिए बनेंगे, जो रेगुलेशन होंगे उन रूल को फॉलो करवाने के लिए वो फोर्स कमांडर
इम्प्लीमेंट करवा सकता है. द फोर्स कमांडर मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड विद द अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड द रूल्स फॉर द कैरियंग आउट द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट. कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है जिससे मकसद इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना है. सेक्शन 13 है द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975 जो था इज हेयर बाई रिपील्ड. इस एक्ट आने के बाद जो 1975 का ऑर्डिनेंस था वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी कोई वजूद नहीं रहेगा. आज हम साथ ही एंड पे ये बात करेंगे जो हमने दरमियान में बात की थी कि इसके स्केड्यूल कितने, इसके फर्स्ट स्केड्यूल है और सेकंड स्केड्यूल है, दोनों पे हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्केड्यूल किस लिए होता है और सेकंड स्केड्यूल किसके लिए होता है. FIA ASF एक्ट में फॉर्म ऑफ अफर्मेशन यानी कि जो हलफनामा होता है वो इसलिए होता है. आई मतलब उसके जो जो भी इंडिविजुअल है वो अपना नाम उसका होगा. सोलमली अफर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द अलमाइटी अल्लाह दैट आई विल बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द पाकिस्तान एंड दैट आई विल एज द ड्यूटी बाउंड ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व इन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड गो वेयर एवर आई मे बी ऑर्डर बाई एयर लैंड और सी एंड दैट आई विल ऑब्जर्व एंड ओबे ऑल कमांड्स ऑफ एनी ऑफिसर्स सेट ओवर मी इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ. साइंड इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अबव हैविंग बिन रेड आउट टू मी. तो इसमें जो इंडिविजुअल होगा वो साइन करेगा और साथ में जो फोर्स कमांडर है वो यहाँ पे साइन करेगा. ठीक है जी. तो इस तरीके से ये पहला स्केड्यूल जो है वो अफर्मेशन के लिए होता है और सेकंड जो स्केड्यूल है इसमें मिस्टर जो भी है एक्स वाई जी जो उसका नाम है हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ऑफिसर है या मेंबर है ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 एंड इज़ वेस्टेड विद द पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन ऑफिसर या मेंबर ऑफ द फोर्स. तो उसको एक सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो इस पैटर्न पे दिया जाता है और इसको फोर्स कमांडर जो है वो साइन करता है. तो आज हमारा यहाँ पे सेक्शन जो है 13 आखिरी था जो रिपील करता है और उसके बाद हमने दो स्केड्यूल पढ़े, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2. स्केड्यूल 1 अफर्मेशन के लिए, स्केड्यूल 2 जो है वो सर्टिफिकेट है जो एक इंडिविजुअल को फोर्स कमांडर इशू करता है. तो इस तरीके से हमारा आज ASF एक्ट कंप्लीट हो जाता है. मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.